मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। भिंड, ग्वालियर और मुरैना की छिटपुट वारदातों को यदि छोड़ दिया जाए तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मंगलवार को हुए मतदान का प्रतिशत 69.93% रहा। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 10 नवंबर को आने वाले नतीजे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उपचुनाव में हुई बंपर वोटिंग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपचुनाव को लेकर जनता में उत्साह था और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में कोरोना का भय और असर कहीं नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि जितनी बंपर वोटिंग हुई है उतनी ही बंपर भाजपा की जीत होगी। देश में 28 उपचुनाव में जनता ने उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बंपर वोटिंग हुई, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान को अपना पवित्र कर्तव्य माना है। कोरोना के भय का असर कहीं नहीं दिखा और कुछ स्थानों पे तो 2018 से ज्यादा वोटिंग हुई। हमारे लोकतंत्र की मजबूत, मैं अपने मतदाता भाइयों का, बहनों का, बेटे बेटियों का आभार प्रकट करता हूं और जितनी बंपर वोटिंग हुई है उतनी बंपर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सभी 28 सीटों उत्साह के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कांग्रेस की बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। अभी लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है, जब इसे ईवीएम पर उंगलियां उठाई जाए। 2018 में ईवीएम ठीक थी जब तुम्हारी सरकार, कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। मैं कांग्रेस से ये कहना चाहता हूँ, कर्मचारी अधिकारियों का भी मान होता है, सम्मान होता है, उनकी भी गरिमा होती है। जब चाहोगे किसी अधिकारी को गाली दो, अफसर को देख लोगे। ये धमकी लोकतंत्र का मजाक है और अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है जो कतई उचित नहीं किया कहा जा सकता। लेकिन इससे प्रकट होता है कि कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। लेकिन लोकतंत्र की इस विजय से जो मतदान के रूप में प्रकट हुई है, गदगद हूँ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अब हमारा संकल्प है।